हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप अपने क्वेश्चंस को कैसे चैलेंज करेंगे, किस तरीके से करेंगे और क्या क्या फॉलो करेंगे, और कैसे आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो आंसर है वो सही है या आपने गलत आंसर को चूज करा है। तो इन इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। तो सबसे पहले आना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे आप क्लिक करना UGC नेट जून 2023 वाले पे, ठीक है ना, चैलेंज वाले पे क्लिक करना। यहाँ पे पॉपअप में खुल के आ रहा होगा, यहाँ पे खुल करके आ रहा होगा पॉपअप में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे। यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन मांगे जाएंगे लॉगिन करने के। पहला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, और दूसरा आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन इंदर की एप्लीकेशन नंबर, और फिर डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डालोगे तो फिर खुल जाएगा। खुलने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। एक तरफ आपका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज होगा, तो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो जैसे कि ये हिस्ट्री का है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिखेगा। आप जो भी सब्जेक्ट से किए रहोगे, यानी कि आपका हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो खोलोगे ना, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर खुलेगा, जो एक्चुअल में एग्जाम हॉल में आपने पेपर देने के समय जो आंसर आपने दिया था वो वाला ऑप्शन यहाँ पे खुलना शुरू हो जाएगा। और ये वाला जो आएगा व्यू चैलेंज आंसर की, ये ऑफिशियल तौर पे जो जारी किया गया है प्रोविजनल आंसर की आयोग के द्वारा, वो यहाँ पे खुलेगा। तो आइए हम इस पे हम क्लिक करते हैं। तो मैंने पहले से क्लिक कर रखा है यहाँ पे व्यू क्वेश्चंस पे, तो ये क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आ गए हैं गाइस, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लो। फर्स्ट मैं यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जस्ट वेट, सम प्राइवेसी इशू, डेट्स वाई इतना आराम आराम से मुझे ये करना पड़ रहा है। जस्ट वेट गाइस। तो यहां से क्या करना, एक बार आप क्वेश्चन आईडी देखने के उपरांत, हाँ या यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर वन है और क्वेश्चन आईडी है 1652, यानी कि 1652 है, 1652 है। अब यहाँ पे आएंगे आंसर की वाले पे, आंसर की वाले पार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो 1652 है और यहाँ पे देखो 1652 है। इसमें जो कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन 3 है, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। और इस बंदे ने क्या लगाया है वो देख लो, इस बंदे ने क्या लगाया है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसका 1 का 3 लगाया है, मीन्स इनका एक क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इनका सही हो गया है। अब दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1655 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1655 कहाँ है, तो यहाँ पे 1655 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। और इस भाई ने क्या लगाया है इसका देखो, तो 1655 का इसने 2 नंबर लगाया है, ठीक है ना, इसने दो नंबर लगाया है और आयोग ने 4 नंबर लगाया है, मीन्स इस भाई का गलत है। अगर ये चाहते हैं चैलेंज करना, आयोग ने 4 नंबर दिया है और ये चाहते हैं कि ये इसे क्वेश्चन को चैलेंज करे, तो यहाँ पे सिंपली टू क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, और टू क्लिक कर देंगे और इस तरीके से वो करते जाएंगे। और जैसे ही नीचे आएंगे तो चैलेंज का ऑप्शन आएगा और वहां पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा, फिर पेमेंट करेंगे, फिर फाइनली चैलेंज हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 1654 है क्वेश्चन आईडी नंबर, और यहाँ पे आगे क्वेश्चन आईडी नंबर मिलाना है 1654, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी नंबर हो गया। और यहाँ पे इसका आंसर देखना है, आंसर इस भाई ने क्या लगाया है, तो इस भाई ने इसका आंसर क्या लगाया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका लगाया हुआ है। और यहाँ पे अब देख लो कि इसने क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पे, और 1653 का इन्होंने क्या लगाया है, तो 1653 का इन्होंने 2 लगाया है, मीन्स ये भी गलत है। 1682 का देखते हैं, 1682 आप 82 का हम लोग आते हैं नीचे 1682 के 4 है, और यहाँ पे देखते हैं 1682 का इन्होंने क्या लगाया है, 1682 का 3 लगाया, नहीं कि ये गलत है। तो ये सारे आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चंस को मैच करना है अपने ऑफिशियल आंसर की से, इसको मैच करना है, और मैच करने के बाद आपको ये काउंट कर लेना है कितने आपके सही हो रहे हैं, और जितने भी आपके सही हो रहे होंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स दे देना। क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 2-2 नंबर मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मान लो कि आपके 70 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 140 नंबर मिलेंगे, 80 हो रहे हैं तो 160 मिलेंगे, और इस तरीके से अगर आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो 200 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे आप,
और GRF क्रैक करने के चांसेस आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात पे आपको ध्यान में रखना है। आपके नंबर कितने आ रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना सकूं कॉट ऑफ के ऊपर। और ऐसे करके आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। कहने का सेंस बस इतना है गाइस, जब आपके 80 नंबर क्वेश्चंस बन जाएंगे, 80 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, तो 80 दुना होता है 160 नंबर, और 75 क्वेश्चन बनेंगे तो 150 नंबर, और वहीं पे 90 क्वेश्चंस बनेंगे तो 180 नंबर। तो अगर आपके 160 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आपको कंसीडर करके चलना कि आपका नेट क्रैक हो रहा है 160 और 160 प्लस, ठीक है ना, 160 नीचे वाले नहीं बल्कि 160 प्लस जिनके भी आ रहे हो वो अपने आप को कंसीडर करके चलेंगे कि उनका आंसर सही है और वो सही रास्ते पे हैं और उनका सब कुछ सही सही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं और आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक रेट व्यू आंसर करना मत भूलिएगा गाइस, ठीक है ना। तो इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो और इसी तरीके से आप अपना नंबर भी जान सकते हो और इसी तरीके से आज आप ये भी देख पाओगे कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी तमाम चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। आप लोग इसके ऊपर देख लेना आराम से, ठीक है ना, इस वीडियो को आराम आराम से देखना और इसी तरीके से मैच करना जैसे मैंने आपको बताया है, और सारे ऐसे ही देखते जाना और कॉपी में लिखते जाना, और जितने आपके सही होंगे उसके अकॉर्डिंग आप नंबर दे देना। अगर 80 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 160 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, तो अपने आप को कंसीडर करके चलना कि आपका नेट क्रैक हो रहा है। और नेट क्रैक हो रहा है मीन्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो। हाल ही के जो घटना घटी है UGC में, और UGC ने जो हाल ही में नोटिफिकेशन निकाला है उसमें उन्होंने कहा है कि PhD अब मैंडेटरी नहीं रहेगा, उसको कंपल्सरी उन लोगों ने कर दिया है, ऑप्शनल कर दिया है, और अब कर दिया है कि जो भी बंदे नीट क्रैक करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, अपने कॉलेजेस में जाओ, वहां पे लेक्चरर दो, लेक्चरर बनो, ठीक है ना, और प्रोफेसर साहब का टैग लेकर के आराम से गाड़ी में बैठो और घूमते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आंसर की चेक करो और मेरे को बताओ आपके कितना सही हो रहा है। तो मैं बस यही कहूंगा गाइस कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग चेक करना, जरा भी पैनिक नहीं होना और इसी तरीके से चेक करना है। अगर किसी को चैलेंज करना होगा तो यहाँ पे मान लो कि आयोग ने तीसरा को करेक्ट मान रहा है लेकिन आपको लगता है कि चौथा करेक्ट है, तो यहाँ पे 4 टिक करके और नीचे आ करके चैलेंज कर सकते हो। बस 200 रुपये आपके लगेंगे, बस इस बात का ध्यान देना, ठीक है, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है ना, काम कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक रेट व्यू आंसर करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलते रहेगी। और अपना नंबर मुझे इंस्टा पे सेंड करो कि आपका नंबर कितना बन रहा है और आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो या GRF क्वालिफाई कर रहे हो, और इसके बेसिस पे हम एक कॉट ऑफ का भी वीडियो बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय।